तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोइंग टू बाय अ बुक। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी। एक दिन की बात होती है, मेरे दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए और उन्होंने बोला गो एंड बाय सम बुक्स। उन्होंने ऐसा बोला उसे। वी वर बोथ वेरी हैप्पी और हम दोनों बहुत खुश थे। वी बोथ लव टू रीड क्योंकि हम दोनों को, मतलब मेरे भाई को और मुझे, बुक्स बहुत पसंद हैं। शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर, शुड वी गो टुडे, शुड वी गो टुमोरो, वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। क्या हमें अभी जाना चाहिए, क्या हमें थोड़े समय बाद जाना चाहिए, क्या हमें आज ही जाना चाहिए या फिर हमें कल जाना चाहिए। फिर हमने डिसाइड करा कि क्यों ना अभी जाया जाए। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। तो ऐसा ही होता है, ये दोनों बच्चे, मतलब ये गर्ल और ये बॉय, भाई बहन दोनों बुक स्टोर पे पहुंच जाते हैं, बुक शॉप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो बुक शॉप के अंदर पहुंचते हैं तो क्या होता है। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, शुड वी गो विद समबडी, शुड वी गो अलोन, वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, जस्ट द टू ऑफ अस। तो इनके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। क्या हमें बड़े मार्केट, मतलब बड़े बाजार या फिर बड़ी मार्केट के अंदर जाना चाहिए बुक खरीदने, या फिर एक छोटी सी दुकान के अंदर। क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए या फिर हमें अकेले जाना चाहिए। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक छोटी दुकान के अंदर जाएंगे और सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। दोनों कौन? ये गर्ल और इसका ब्रदर, ये दोनों ही जाएंगे बुक शॉप के अंदर। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, इट इज स्मॉल but it has many books. The man in the shop likes us. He always help us. तो यहाँ पर क्या होता है, ये बोलते हैं कि हमें जो small bookshop है वो बहुत पसंद है। वो छोटी तो है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी किताबें हैं। जो वहाँ का आदमी है, मतलब जो उस bookshop का owner है, वो भी हमें पसंद करता है और वो हमेशा हमारी मदद करता है। Should I buy a book with a lot of pictures? क्या मुझे एक ऐसी बुक खरीदनी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स हों? शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज? क्या मुझे एक ऐसी बुक खरीदनी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हों? शुड आई बाय अ थिन बुक? आई कुड नॉट डिसाइड। क्या मुझे एक पतली सी बुक खरीदनी चाहिए? ये सब चीज़ें मैं डिसाइड नहीं कर पाई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय। हमें नहीं पता था कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। जो मैन था, मतलब उस दुकान का मालिक था, वो उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ, बच्चों की तरफ देखकर स्माइल करता है, हंसता है। रिलैक्स, बच्चों को बोलता है रिलैक्स, मतलब कि बच्चों इतनी टेंशन मत लो, आराम करो। कम विद मी, मेरे साथ आओ, उसने ऐसा बोला। द बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, दोज आर अबाउट मशीन्स, दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, टेक वॉट यू वॉन्ट। तो वो बच्चों को बताता है अलग अलग किताबों के बारे में। वो बोलता है कि ये कुछ किताबें एनिमल्स, मतलब जानवरों के बारे में हैं, ये जो कुछ किताबें हैं ये किसके बारे में हैं, ये मशीन्स के बारे में हैं, और वो थोड़ी दूर जो तुम्हें रखी हुई दिख रही हैं किताबें, वो लड़ाई के बारे में है, जंग के बारे में है। तुम्हें जो भी पसंद आए बच्चों वो ले लो, टेक वॉट यू वॉन्ट। आई पिक्ड सम बुक, मैंने कुछ बुक्स उठाई, मेरे ब्रदर ने भी कुछ बुक्स उठाई। आई सैट ऑन द फ्लोर, He sat on the chair. मैं फ्लोर के ऊपर बैठ गई और मेरा ब्रदर चेयर यानी कि कुर्सी के ऊपर बैठ गया। एंड वी रेड, हम पढ़ते गए उन किताबों को। इट वॉज वेरी क्वाइट, देर वॉज नो साउंड, वन आर पास्ट, टू आर पास्ट, फाइनली वी न्यू विच बुक टू बाय। बहुत शांति थी उधर, वहां पर कोई भी साउंड नहीं थी। एक घंटा बीत गया, दो घंटे बीत गए, तब जाकर हम लोग डिसाइड कर पाए कि आखिर हमें कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। मैंने एक बहुत मोटी सी किताब खरीदी जिसके अंदर बहुत सारी कहानियां थी। जो मेरा ब्रदर था उसने एक बहुत बड़ी बुक खरीदी जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स थी, फोटो थी। वी रैन होम टू अवर ग्रैंड फादर, वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, ही पुट हिज आर्म अराउंड अस एंड देन वी रेड रेड एंड रेड।
तो यहाँ पर ये लोग अपने घर पर चले जाते हैं वापस। अपने घर पर जाने के बाद अपने ग्रैंडफादर से मिलते हैं ये लोग और उनके बेड पर लेट जाते हैं। ग्रैंडफादर अपने दोनों हाथ इन बच्चों की तरफ रखते हैं और ये लोग किताबें पढ़ते रहते हैं। कुछ न्यू वर्ड सीखे अब हमने। और इस स्टोरी को लिखा किसने है? रुक्मिणी बैनर्जी ने। और कुछ न्यू वर्ड्स हैं अलोन, अलोन मतलब अकेले, बुकशॉप मतलब कि जहाँ पर किताबें मिलती हैं, किताबों की दुकान, मशीन मतलब मशीन्स तो हम सबको ही पता है, फाइनली मतलब कि अब जो डिसाइड हो गया था, लास्ट डिसीजन, क्लाइम्ब मतलब कि चढ़ना किसी चीज़ के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस हैं, वाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, आखिर ग्रैंडफादर ने बच्चों को पैसे क्यों दिए थे? तो द ग्रैंडफादर गिव चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स, क्या होगा आंसर? द ग्रैंडफादर गिव चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स। आगे चलते हैं, वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, दे गो टू बुक स्टोर टू बाय बुक्स, क्या आएगा हमारा यहां पर? दे गो टू बुक स्टोर टू बाय बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला, वाई डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक, वाई डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक, तो इस लड़की ने पिक्चर बुक को क्यों खरीदा? अब इस सवाल का जवाब देखते हैं कितने बच्चों को पता है, फटाफट हम लोग देखते हैं कि कितने बच्चे बता पाते हैं। और इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। और आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आई हो ये स्टोरी। और देखते हैं कितने बच्चे थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। ये आपका होमवर्क है, फटाफट थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर, मन्नू के ज्ञान चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर आप देख सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में कि क्लास 4 के बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनसे देखकर पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे, यहाँ तक कि फुल मार्क्स भी ला सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।